हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। ये हमारा रैंक सर्वर का नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट एपिसोड में भाई मैंने दिखाया था कि कुछ ग्लिचेस वगैरह जो आए हैं अपडेट के बाद में, तो अभी तक वो फिक्स नहीं हुए। एक तो था कि ग्लाइडर से जाते जाते जो है वो ग्लाइडर जो है वो खुद ब खुद ही अनइक्विप हो जाता है और बंदा गिर के नॉक हो जाता है। और दूसरा ये है कि भाई फ्लाइंग पैट कोई भी है उस पर अगर तुम जो है वो माउंट करते हो तो वो तुम्हें जो है वो गिरा देता है अगर तुम हवा में हो या ज़मीन पर हो। और भाई गिरा देना तो अलग बात, ये दो दफ़ा गिरता है, यानी कि एक दफ़ा गिरोगे हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी और दूसरी दफ़ा फिर गिरोगे यानी कि सीधे नॉक। देन ये वाले ग्लिचेस का जो है वो वेट करते हैं कि भाई कब फिक्स होंगे। और चलो जो है वो आज का हमारा जो एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई जो बंदे न्यू है ना चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबा दो और भाई बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एजी किल कर रहे होते हैं और रैंक 3 पर जो बंदे हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर हम पे थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन भाई उनको जो है ना हम मार के भगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके जो मैक्स टैलेंट वाले प्लेयर होते हैं वो सारे ऑफलाइन होते हैं और दो ही बंदे होते हैं जो हम पे थर्ड पार्टी करने आते हैं, और उनको हम जो है ना मार के भगा देते हैं यहाँ से और हम ईजी जो है वो किल करके ले जाते हैं। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ रूम ग्राइंडिंग करने के लिए और मैं आता हूँ न्यूक्लियर पे और मैं देखता हूँ कि भाई न्यूक्लियर का जो ग्रीन रूम है ना वो कोई बंदा जो है वो लूट कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि चलो भाई इसके पीछे जाते हैं और जाकर ना इसको किल करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि इस बंदे को मारें। तो अभी जो अब हम चलेंगे और हमारा जो फ्लाइंग हॉर्स है ना इसको लेके चलेंगे भाई हम पिट के पास में और वहाँ से घुसेंगे अंदर। आई थिंक यार ये ना होल के गेट में ही है, तो अभी जो है वो घुसते मुझे तो देखना पड़ेगा कि किस तरफ है। अच्छा ये बैक साइड पर था भाई, छुपा हुआ था ये भी, तो चलो इसको किल करते हैं। आई थिंक गन वगैरह नहीं है इसके पास और ये वैसे ही जो है वो रूम चेक करने आया था शायद, या फिर जो है वो इसने मेरा किल मैसेज देखा होगा क्योंकि मैं पहले आया था और फैटी से किल हो गया था और मेरे पास आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं था। देन ये बंदा ना किल मैसेज देखकर आया होगा कि भाई फैटी से कोई बंदा किल हुआ है तो जाके मैं उसका क्रेडिट उठाता हूँ, लेकिन इसको पता नहीं था कि शायद मैं जो है वो फैटी ही किल करने आया था। वैसे मैं आया था थोड़ी देर पहले और यहाँ पर फैटीज नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो यार दोबारा जाके चेक करता हूँ। तो अभी जो है वो ब्लू कार्ड आ चुका है और अभी जो है ब्लू कार्ड उठाते हैं और उठा के रखते हैं हमारे सेफ में, क्योंकि मैंने मास्क वगैरह और आर्मर वगैरह कुछ नहीं पहन रखा तो मेरी रेडिएशन जो है ना वो इतनी हाई हो जाएगी कि भाई मैं पहुंच ही नहीं सकूंगा। उसके बाद भाई आ जाता है एयरपोर्ट पे ड्रॉप और हम जो है वो निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे। मैं और एक्वा जाते हैं एयरपोर्ट पे और मैं एक्वा से कहता हूँ कि भाई इस दफ़ा मैं हॉर्स पे नहीं जाने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम यार मैं हॉर्स पे आया था और मैं 6 से 7 दफ़ा हॉर्स से जो है वो गिर गया और नॉक हो गया इसी वजह से। और यार वैसे भी टेंशन ही रहती है कि भाई अभी अगर मैं गिर गया हॉर्स से तो बंदे हैं नीचे या ये फिर या वो, यानी कि ऐसे दिमाग में आता है। तो मैं एक्वा से कहता हूँ भाई मैं बनाने लगा हूँ चैरियट और मैं जाऊँगा चैरियट पे, अगर तुमने जाना है तो तुम हॉर्स पे जाओ। तो एक्वा कहता है ठीक है भाई तुम चैरियट पे आ जाओ। अब ये वाला जो स्क्वाड था ना भाई ये ऑनलाइन था पूरे का पूरा और मुझे पता था कि भाई ये लोग मुझे नहीं उठाने देंगे ड्रॉप, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ कि चलो भाई पीवीपी वगैरह करेंगे या फिर जब थोड़ी सी फाइट तो लेंगे इनसे। लेकिन भाई मैंने जो मेरी एआर थी ना वो छुपा रखी थी सेफ में और सिर्फ बाजूका लेके मैं आया था और बाजूका के शेल भी सेफ में थे। अब ये दो बंदे थे और दोनों जो है वो कंटेनर्स में यहाँ खड़े थे कैंप करके, और मैं सोच रहा था कि भाई इन पे ना कोई एंगल बने तो मैं निकलूँ बाहर। और जैसे ही मैं देखता हूँ कि भाई ये दोनों अलग अलग हुए हैं तो मैं निकल के इनमें से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, और अभी जो है वो हम रश मारते हैं और ट्राई करते हैं भाई दूसरे बंदे को भी नॉक करने की। अब ये बंदा जो नॉक हुआ है ना भाई ये नॉर्मल प्लेयर था और जो अभी बचा हुआ है ना वो थोड़ा अच्छा प्लेयर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्ले टाइम भी है इसका और जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अभी मैं सोच रहा था कि भाई एक्वा भी दूसरी साइड से आए और मुझे भी थोड़ा सा कवर मिल जाएगा और जो है हम दोनों मिलके ना इस बंदे को मार देंगे। अब जो एक्वा का न्यू अकाउंट है भाई उस पर भी टैलेंट वगैरह तो कुछ ज़्यादा है नहीं और मेरा भी इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, इसलिए जो है वो मैं ज़्यादा एआर से मारने का उसको नहीं ट्राई कर रहा था और मैं बाजूका से ही किल करने का सोच रहा था। और अभी मेरे पास 4 शैल थे बाजूका के सिर्फ, और 4 के 4 शैल जो हैं वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी जो है हम जल्दी से चलते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं और एक्वा ने दूसरे बंदे को भी किल कर दिया और एक्वा ने क्रेट उठा लिया उन दोनों के, और एक क्रेट रहता है उसने मुझे कहा कि भाई तुम जो है ना गाड़ी घुमाओ और गाड़ी घुमाकर तुम क्रेट उठा लो। तो मैं उसे कहता हूँ भाई एक बंदा गाड़ी का फ्यूल निकालने की कोशिश कर रहा है, अभी जो मेरी गन है वो सेफ में पड़ी हुई थी लेकिन जब तक मैं गन निकालता ना भाई तब तक वो गाड़ी का फ्यूल निकाल के यहाँ से जा चुका होता, इसलिए मैंने एक्वा से कहा भाई तुम जल्दी से जो है वो उसको मारो और फिर मैं जो है वो गाड़ी घुमाता हूँ और उसका क्रेट लूटता हूँ। तो अभी जो है चेक करते हैं भाई उसके क्रेट में क्या है। ठीक है M4 है, कुछ एमओ हीलिंग और भाई आर्मर तो उसका पूरे का पूरा मिल गया और मास्क भी मिल गया हमें। तो चलो अभी जो है वो बंदा वापस आ चुका है देखो फ्लाइंग हॉर्स पे। तो इससे पहले कि भाई हमारी गाड़ी का वो फ्यूल निकाले तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और जाकर जो है ना सेफ रख के आते हैं चीज़ें हमारी जो मिली हैं हमें यहाँ से, यानी कि गन्स वगैरह जो हमें मिली हैं ना उनको सेफ रख के आते हैं हम।
अब मैं जा रहा था अपने बेस की तरफ और भाई जिन दो बंदों को हमने किल किया था उन बंदों का बेस भी जो है वो हमारे बेस के तकरीबन बैक साइड पे है। तो अभी मैं सोच रहा था कि भाई वो बंदे जो है ना वापस से उठ के मेरे बेस पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई ये लूट वगैरह रखने आएगा अपने बेस पे। अब उन बंदों का भी भाई काम यही था कि जो गन्स वगैरह मिलती थी वो उठाकर भाग जाते थे और अपने बेस पे रख के वापस आ जाते थे। और भाई ओल्ड प्लेयर जितने भी हैं ना सब प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी भाई प्लेयर्स जितने भी हैं उनको जैसे ही गन्स वगैरह या फिर कोई भी चीज़ मिलती है वो लेकर भाग जाते हैं और अपने बेस पे रख के दोबारा से वापस आ जाते हैं। और भाई हमने भी अब जो है वो यही काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई हॉर्स वाला बंदा या फिर जिसका बेस मेरे बेस के पास में है वो बंदा यहाँ पर पहुँच ना जाए, तो इसलिए जो है मैं पहले देखता हूँ, अगर कोई नहीं था तो मैं उतरा हूँ और अब जो है हम जल्दी से हमारी जो लूट है वो रखते हैं और फिर से हम चलते हैं वापस ड्रॉप के पास में। और ड्रॉप के भी ओपन होने का टाइम तकरीबन हो चुका है और अगर हम जल्दी से पहुंचेंगे तो भाई ड्रॉप उठा सकेंगे, वरना कोई और उठा के ले जाएगा। तो अभी जो दो बंदे थे वहां पर उनको हमने किल कर दिया और अब बाकी जो एक बंदा बचा हुआ था वो सिर्फ फ्लाइंग हॉर्स वाला बचा हुआ था, और चौथा बंदा जो आ रहा था भाई उसके पास तो गन्स वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली हाथ ही आ रहा था। अब पता नहीं उसके सेफ में गन थी या नहीं थी, लेकिन दो दफ़ा उसको किल किया उसे कुछ नहीं मिला, यानी कि गन वगैरह कुछ भी नहीं थी उसके पास। तो अभी जो है हम जल्दी से लूट रखेंगे और भाई निकलते हैं वापस जाते हैं और जाकर चेक करते हैं कि ड्रॉप में कितना टाइम बचा है, ये ना हो कि भाई हम यहाँ पर गन सेव करते रह जाएं और ड्रॉप कोई और उठा कर ले जाए। तो अभी जो है वो हम बाज़ूका जो है वो रीलोड करके रखते हैं सेफ में वापस, और जो है वो गन भी भाई सेफ में रख लेते हैं। अब इनका काम ये था भाई, जो मेरे नेबर थे यानी कि जिनका मेरे बेस के पास में बेस था, ये लोग हमेशा ना कैंप करके बैठे रहते हैं बाहर के, भाई ये निकलें तो इनको मारें, छुप के यानी कि बैठ जाना। और इस वही काम इन लोगों ने अब भी किया। देखो अभी वहाँ पर छुप कर बैठा रहा मैं, जैसे ही गाड़ी में फ्यूल डालने लगा हूँ इसने मुझे किल कर दिया। अब मेरा बाज़ूका और गन मेरे सेफ में थी और मैं दोबारा बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मेरा आर्मर वगैरह जो था वो गिर गया था। तो मैं बाज़ूका लेके निकलता हूँ बाहर और एक्वा भी अभी बेस पे ही था, मैं उसे कहता हूँ कि भाई आ जाओ हम दोनों चलते हैं साथ में और जाकर इस बंदे को मारते हैं। भाई देखो बहुत लोकेशन चेंज करते हैं ये, और इतने कैंपर अभी देखो यहाँ था और पीछे पहुँच गया, मेरा नेट भी हग रहा है भाई। देखो वो बंदा एक ही जगह पर अटका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी मिल गया मुझे और पता नहीं चला। चलो जल्दी से इसको मारते हैं बाज़ूका, और ठीक है नॉक हो गया और जाता रहा भाई ये। भाई बहुत कम आर्मर मेरा है, चेस्ट और हेड नहीं मिला, सिर्फ फुट मिले हैं, तो मेरा जो है वो चेस्ट और हेड भी गिरा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो भागती चोर की लगोटी सही। चलो अब जो है वो हम चलते हैं भाई अपने बेस में, क्योंकि इस बंदे से फाइट लेते लेते ना काफ़ी देर हो गई हमें और ड्रॉप जो है ना अब तक उठ चुका है, यानी कि कोई और बंदा उठा के लेके जा चुका है। तो मैं एक्वा से कहता हूँ भाई अब दोबारा जाने का फ़ायदा नहीं है, तो चलो छोड़ो आ जाओ हम चलते हैं। उसके बाद हो जाता रेड का टाइम और मैं जब फार्मिंग करने गया था तो मैंने जो है वो एक दो बेसें देखी थी कि जिनको मैंने देखा था कि भाई स्टोन के हैं और उनमें फर्नेस वगैरह चल रहे थे, तो मैंने सोचा भाई उनको रेड करेंगे, देन मैं जो है वो बॉम्ब उठाता हूँ जैसे रेड टाइम स्टार्ट होता है और निकल आता हूँ उन बेसिस को रेड करने के लिए। अब ये बेस तो जो था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो है वो मुझे पता नहीं था कि भाई इसमें क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो ग्लिच वगैरह करके भी देखने की कोशिश की लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो भाई इसकी जो सीलिंग है ना उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि 10 ऑल्ड्रम लगा के और जो है वो देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर हम 10 ऑल्ड्रम लगाते हैं और चेक करते हैं कि भाई कुछ मिलता है यहाँ से या नहीं मिलता। अभी जो है वो और लगाने पड़ेंगे बॉम्ब, ठीक है चारों की चारों सीलिंग्स टूट चुकी हैं और इसके बॉक्सेस और कैबिनेट वगैरह सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। तो चलो पहले जल्दी से बॉक्सेस वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि उनसे हमें कुछ लूट मिलती है या नहीं, और फिर बाद में जो है वो कैबिनेट की तरफ जाएंगे। इस वाले बॉक्स में तो कुछ नहीं मिला हमें, और फ्रिज चेक करते हैं भाई सिर्फ 10 बैंडेजेस मिले हैं और ना बॉक्सेस में से कुछ मिला है। तो दूसरी साइड पे ना वुडन बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए थे मैंने वो भी देखे थे, तो उनको भी चेक करते हैं भाई कि उनमें क्या है। हाँ यही है, चलो इनको चेक करते हैं भाई। थोड़ा सा सल्फर शॉटगन का एमओ मिला है हमें 89, और फर्नेस में भी भाई 1100 पड़ा हुआ था आयरन और कुछ सल्फर और स्टील वगैरह भी। बाकी बॉक्सेस में कुछ खास लूट भाई, यहाँ से भी 360 सल्फर मिल गया, और लगभग जो हमारी भाई कॉस्ट थी ना यानी कि 10 बम जो हमने लगाए हैं उसकी कॉस्ट पूरी हो गई है। और अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बंदे का ना कैबिनेट भी ब्रेक कर दूँ, क्योंकि अभी जो है सीलिंग तो ब्रेक कर ही दी है हमने और कैबिनेट में से भी देखते हैं कि क्या लूट गिरती है। तो यही सोच कर जो है ना मैं कैबिनेट को बम लगाने का सोच रहा था, लेकिन एक्वा कहता है कि भाई रहने तो क्या गिरेगा इसके कैबिनेट में से। मैं कहता हूँ नहीं भाई, इतना बेस रेड किया है तो इसका कैबिनेट तो ब्रेक करना बनता ही है। अब इसका कैबिनेट ब्रेक करेंगे तो वैसे भी इसकी जो बेस होगी उसकी हेल्थ जो है वो काफ़ी गिर जाएगी, यानी कि 50% गिर जाएगी, तो वो भी जो है वो मज़ा आएगा भाई, यानी कि जब आएगा इसको रिपेयर करना पड़ेगा सारा कुछ दोबारा से लूट करके। तो अभी जो अगर हमने अपने बॉम्ब वेस्ट किए ही हैं तो दो बॉम्ब और वेस्ट कर लेते हैं।
तो चलो निकलते हैं यहाँ से। और मैंने एक और जो है वो 2x2 का बेस देखा था, वहाँ पर चलते हैं और जाकर उसको भी रेड करते हैं। भाई उसमें भी वुडन बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो उसको चेक करते हैं कि भाई उसमें क्या है। ये वाला था बेस, और मैंने भाई पहले समझा कि ये बॉट बेस है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर स्किन्स वाला जो है ना वो स्लीपिंग बैग लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई वापस आ गया ना इसको रेड करूँगा। तो चलो इसको रेड करते हैं और चेक करते हैं कि भाई क्या मिलता है इसमें। अब काफ़ी देर से ये बेस था यहाँ पर, और अगर ये बॉट बेस वगैरह होता ना तो इसकी हेल्थ भी कम हो जानी थी। ये था तो सेम तकरीबन बॉट बेस जैसा, लेकिन इसकी ना तो हेल्थ डाउन हो रही थी और ना कुछ और, तो इसलिए मुझे पता चला कि भाई ये किसी बंदे का ही बेस है। तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर रेड करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा भाई एक फर्नेस लगा हुआ है और वुडन बॉक्सेस लगे हुए हैं 3 तक, तो मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ तो लूट मिलेगी ही मिलेगी, मगर कुछ खास लूट नहीं मिली यहाँ से। ठीक है, 3 ऑयल ड्रम लगे हैं और 227 सल्फर मिल गया हमें यहाँ से, मतलब कि भाई हमारे जो बॉम्ब की कॉस्ट है ना तकरीबन वो पूरी हो गई है 3 ऑयल ड्रम की। कैबिनेट भाई रेड है ग्लिच की वजह से, देखो नहीं ब्रेक हुआ, ग्लिच है भाई कैबिनेट का, ये नहीं ब्रेक होने वाला। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने बेस पे वापस, और देखते हैं कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं हमारे करने के लिए। तो उसके बाद जो है मैं निकल जाता हूँ फार्मिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ी देर फार्मिंग करता हूँ और उसके बाद आ जाता है शिप। तो मैं नॉट जो है वो पहुँच जाते हैं शिप पे, मेरे पास फ्लाइंग हॉर्स है इसलिए मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। और मैं जब यहाँ आता हूँ तो भाई यहाँ मुझे मिल जाता है एक बंदा। अब ये बंदा जैसे ही ग्लाइडर से उतरता है तो ये ना बिल्कुल मेरे मुँह के सामने उतर जाता है, यानी कि जिस कंटेनर में मैं खड़ा होता हूँ ये उसी में बिल्कुल सामने आ जाता है बंदा मेरे। और भाई मैं ना एकदम से डर जाता हूँ कि भाई ये कौन आ गया, और मेरा जो है ना एम भी नहीं बनता। देखो इस पर इतना फायर किया मैंने, एम भी नहीं बना इस बंदे पे, और ये भाग कर नीचे कूद गया। अब मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी लो कर दी थी इसने, तो मैंने सोचा भाई चलो हील वगैरह लगाते हैं और इसके बाद चलते हैं इस पर और जाकर ना इसको मारते हैं। पहले हील वगैरह लगा लें, थोड़ी सी हील हमारी बढ़ जाए, उसके बाद जाते हैं भाई इसके पीछे और जाकर ना इसको मारते हैं। अब देखो दोबारा से ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है वो, और इस तरफ आ गया। ये काम तो भाई अच्छा हो गया, ये खुद ही बंदा सामने आ गया। पहले तो घूम रहा था कंटेनर में और मेरा एम भी नहीं बन रहा था। अरे वैसे भी फार्मेसी इस बंदे पे, इसको तो इजीली मार देना था हमने। और इसके कार्ड्स वगैरह और आयरन आर्मर गिर गया, और कुछ जो है वो फार्मस और साथ में कुछ एमओ वगैरह गिरा है। तो अभी जो है वो यहाँ पर भाई नॉट पहुँच जाता है और एक्वा भी पहुँच जाता है, और तब तक जो है ना भाई वही एयरपोर्ट वाला स्क्वाड यहाँ पर पहुँच जाता है, उसके 2 बंदे। अब वो दोनों बंदे रिपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन वैसे जो है वो हमने शिप जो था सारा चेक कर लिया एक्वा ने, हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। भाई इनकी यही गंदी आदत थी कि भाई ये कैंप करके बैठ जाते, जब ड्रॉप ओपन होने लगता तब ये बंदे आ जाते। अब न्यूक्लियर पे ड्रॉप आया था इन लोगों ने तब भी ऐसे किया, एयरपोर्ट पे आया था तब भी ऐसे किया, इन लोगों ने फाइट वगैरह कुछ नहीं ली, यानी कि ड्रॉप से पहले चुप करके साइड पे एक जगह पे छुप के बैठे रहे, और भाई नज़र भी नहीं आते। जब बंदा छुप के बैठा होगा तो क्या नज़र आएगा। और वैसे भी जो है वो ग्लिच आया हुआ है भाई, हाफ हाफ जो है वो बॉडी नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ हेड और हैंड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो है वो मैं इनको बताता हूँ कि भाई यहाँ वो दोनों बंदे आ गए हैं, और उनका जो स्क्वाड के 2 बंदे हैं वो यहाँ पर हैं, और वो कैंपर ही हैं, यानी कि यहाँ से भाई हिलेंगे ही नहीं, उनके ना फुटस्टेप आएंगे ना कोई चीज़। जैसे ग्लाइडर से उतरते हैं या गिरते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, ना फुटस्टेप देते हैं और ना कोई चीज़, और एकदम से बस निकल के मारना है बंदे को। तो मैं एक्वा से कहता हूँ भाई तुम फ्लाइंग हॉर्स से उतरना मत, और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर देखो, और इस बंदे को जो है ना वो किल करने की हम कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि अगर ये नज़र आ जाएगा ना फिर तो हम किल कर लेंगे, क्योंकि हम 3 बंदे थे और वैसे भी नॉट जो है वो बाजूका लेके आया हुआ था। तो मैंने कहा भाई जल्दी से इसको ढूंढते हैं और इसको मारते हैं, लेकिन भाई तब तक जो है ना इसका एक और टीममेट आ जाता है। मैं रिपोर्ट चेक करता हूं। अब एक्वा उसको ढूंढ रहा था फ्लाइंग हॉर्स पे और ट्राई कर रहा था कि भाई वो बंदा नज़र आ जाए और वो हमें मार्क लगा के बताए कि ये बंदा फला जगह पर है, तो हम जो है वो इस पर रश कर दें। लेकिन भाई ये बंदा जो है ना इसने ना तो फुटस्टेप दिए और ना कहीं नज़र आया। अब नॉट भी गया और नॉट ने भी जाकर घूम कर देखा, इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऊपर भी नहीं था और नीचे भी कहीं नज़र नहीं आया। और वैसे भी जो है ना शिप पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो छुपने की जगह होती है, तो ये बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा छुपा हुआ था। तो अभी जो है वो एक्वा उतरा नीचे, देखो अभी इस जगह पे एक्वा खड़ा है और इसी जगह से ही भाई वो बंदा निकलेगा। अब पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ था वो बंदा, और जैसे ही हमने जो वो ड्रॉप ओपन किया तो वो बंदा निकल आया। तो अभी जो है वो ड्रॉप ओपन होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, और मैं नॉट से कहता हूँ भाई तुम साइड पे हो जाओ, मैं अकेला ड्रॉप उठाता हूँ। लेकिन नॉट जो है वो मेरे साथ में ही खड़ा रहता है, और जैसे ही हम ड्रॉप लूटते हैं ना ये दोनों बंदे रश कर देते हैं। अब ये एक बंदा सीधी साइड पे था और एक बंदा जो था वो उल्टी साइड पर, यानी कि उल्टे हाथ पे था, यानी कि जैसे ही ड्रॉप ओपन होगा ना भाई लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से हमें फायर पड़ने वाले हैं,
और हमें इस बात का नहीं पता था कि भाई वो लोग कहाँ कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। जब फायर आएगा तो तब उनकी लोकेशन का पता चलेगा कि भाई ये उस साइड पर हैं। तो अभी जो है वो ड्रॉप ओपन होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो अब देखना भाई ये कैसे लोग भाई फुटस्टेप देते ही नहीं है बिल्कुल भी और छुप के खड़े रहना। एक तो इनके पास टैलेंट वगैरह है और ऊपर से जो है वो कैंप करना भाई बहुत बुरी बात है। तो अब देखो नॉर्ज ने जो है वो ब्रेक कर दिया और अभी जो है वो एक गन नॉर्ज ने उठा ली और बाकी जो गन्स थी वो मैंने उठा ली हैं। अब मैं पहले सोचता हूँ कि भाई मैं ना यहाँ से निकल जाऊँ क्योंकि एक्वा तो नॉक हो ही चुका था और नॉर्ज ने मुझे कहा कि भाई मैं इस बंदे को ले लूँगा, लेकिन भाई मैं यहाँ रुक जाता हूँ कि शायद ये जो है वो एक ही है, उसका टीममेट जो है वो अभी नहीं आया। लेकिन भाई इसका टीममेट जो है ना वो पीछे कैंप करके खड़ा होता है और वो मुझे पीछे से नॉक कर देता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी जो है वो और नॉट को भी उसने नॉक कर दिया क्योंकि नॉट ने आर्मर वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था और दो बुलेट में ही नॉक कर दिया उसने। तो अभी जो है मैं बेस पे जाता हूँ और वहाँ से दोबारा आता हूँ इनसे बदला लेने के लिए। तो मुझे ये बंदा नज़र आता है यहाँ पानी में से निकलता हुआ, तो अभी जो है हम बंदूक से इस बंदे को नॉक करेंगे और देखना कि भाई उसके बाद क्या होता है।